अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये ब्यूटी रिलेटेड है। रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको जो ब्यूटी से रिलेटेड है, और इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है आपको पता है कि क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा बेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ साथ बेकिंग सोडा को हम ब्यूटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको स्किन के ऊपर यूज़ करने से पहले आपने पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक को सूट करे। कभी कभी ये एलर्जी भी कर जाता है, लेकिन आपने पैच टेस्ट ऐसे करना है कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा वाटर में मिक्स करके तो पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को आप फेस के किसी एक जगह पे यहाँ पे लगा लें, और या और इसके अलावा अपने हाथ के ऊपर यहाँ थोड़ा सा लगा दें, और लगाने के बाद आप इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर तो आपको कोई रिएक्शन फील नहीं होता, यानी कि जलन नहीं होती, रेडनेस नहीं होती, या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आपकी जलन हो रही है, जल रही है कोई जगह, तो इट मीन्स कि वो आपको सूट करेगा। लेकिन अगर ऐसी फीलिंग आए तो फिर आपने इसको स्टॉप कर देना, आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट बात तो ये है। सेकेंड बात ये कि जब आप लेते हैं बेकिंग सोडा तो वो इस तरह के जो है ना वो डब्बे में आता है, तो आपने इसको जब निकाल एक दफ़ा खोल लेना है। खोलने के बाद आप इसको किसी ना किसी इस तरह एयर टाइट बॉटल के अंदर, जो यूँ ढक्कन अच्छी तरह से एयर टाइट होता है, उसमें रख लेना है, जैसे कि मैंने इसमें बॉटल में डाला हुआ है। वजह यह है कि जब ये खुल जाता है तो इसमें मॉइस्चर जो होता है ना एयर का, तो वो इसको जो है ना इसकी इफेक्टिवनेस को कम भी कर सकता है। तो आपने इसको ऐसे ज़रूर रखना है एयर टाइट में, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस कम ना हो, ठीक है? अच्छा, अब बेकिंग सोडा जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले आपको मैं बताऊंगी इसकी यूज़। पहला यूज़ ये है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से जो है ना वो बैड स्मेल आती है, ठीक है, वो चाहे कोई भी रीज़न हो, बाजू का स्टमक अपसेट हो, बाजू का दांतों का कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपके मुंह से स्मेल आती है, तो उसके लिए जो हम पहला रेमेडी हम करेंगे उसमें आपने ये करना है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? और उस हाफ ग्लास ऑफ वाटर जो है उसके अंदर आपने 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देनी है बेकिंग सोडा, और इसको अच्छे से इसको अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आप इसके गॉगल्स करेंगे, यानी गरारे करेंगे, यानी इस पूरे पानी को आपने इस तरह कुलियाँ करनी है अच्छे तरीके से मुंह के अंदर, और उसके बाद गरारे करेंगे, गरारे करके इसको छोड़ देंगे। तो आप ये 2-3 दिन करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो बैड स्मेल आती है मुँह से वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर वन तो ये थी। अब नंबर टू बनाने के लिए आपको एक जो है ना चाहिए होगा, इस तरह का एक बर्तन चाहिए होगा, ठीक है, और एक स्पून चाहिए होगा। अब आप अपने अंदाजे से कि आपको कितनी ज़रूरत है, इसमें कोई फिक्स किस्म की कोई क्वांटिटी आपको नहीं करनी, आप अपने फेस और अगर हाथ और फेस पे लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? तो मैं जो हूँ ना, मैं हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ अभी, जस्ट मुझे इतनी ज़रूरत है, ठीक है, मैं हाफ टेबल स्पून ये ले रही हूँ बेकिंग सोडा, और इसमें मैं हाफ ही टेबल स्पून इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसको इस तरह से मैं मिक्स करके तो पेस्ट बना लूँगी, ठीक है? अच्छे से आपने इसको पेस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो ज़र्रा सा या दाना सा फील होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप जब मिक्स कर लेंगे वो इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, और यही पेस्ट जो है वो डिफरेंट यूजेस हम जो इसको रेमेडीज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन टाइमिंग फ़र्क करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके चेहरे पर दानों के दाग रह जाते हैं, स्कार्स हैं, तो उसके लिए आपने ये वाला पेस्ट जो है इसको लेके, और इसके बाद ये वाला पेस्ट अच्छे से यूं हाथ पे लगा के, और जहाँ पर आपका दाग है उस जगह पे, सिर्फ उस जगह पे आप इसको लगा दें जहाँ जहाँ आपके फेस पे दाग है, यूं लगा के, और उसके बाद 2-3 से 4 मिनट इसको छोड़ दें। 3 से 4 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर लें और कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। ये नंबर टू था, ठीक है, स्कार्स के लिए। नंबर थ्री, सनबर्न अगर आपका हो गया है। सनबर्न का मतलब होता है कि आमतौर पर जब धूप में लोग जाते हैं तो धूप की वजह से कुछ लोगों के यहाँ पर सनबर्न हो जाता है, यानी स्किन काली हो जाती है, या जलन का सा एहसास होता है, तो या इधर से लोगों की काली होती है, यहाँ पैच पड़ जाता है, तो आपने इसी को इस तरह से लेके, और उसके बाद जहाँ आपका अगर यहाँ सनबर्न है तो इसके ऊपर ऐसे करके लगा के, और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देना है, और फिर आपने वॉश कर लेना है। अब नंबर फोर, ब्लैक हेड्स मोस्टली आपके यहाँ इस एरिया में होते हैं, तो आप थिक साइज का पेस्ट इसी तरह बना के, और उसके बाद आपने ये ले लेना है, और लेके अपनी नोज के इधर थिक सा पेस्ट वो लगा देना है, और ब्लैक हेड्स के लिए भी आप 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देंगे, ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है और मॉइस्चराइजर लगा लेना है,
तो कुछ दिन जब आप करेंगे इसको, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने ये करना है, तो आप देखेंगे कि अगर जो है ना आपको लगे कि जैसे एक दिन छोड़ के एक आपको जलन हो रही है, तो फिर आप दो दिन का वक्फा कर लें। मतलब ये अपनी स्किन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो थोड़ा सा ये हार्श है, इसलिए आपने स्किन टाइप के मुताबिक इसको करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग के लिए यही वाला पेस्ट, सेम यही पेस्ट होगा, और इसको आपने पूरी स्किन पे हल्के से रब नहीं करना, ठीक है। हल्के से आपने ऐसे करके पूरे फेस के ऊपर इसको लगा लेना, और लगाने के बाद आप इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए जो है ना आपने टाइम देना है। आफ्टर 2 मिनट्स आप फेस वॉश करें और मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देता है, ठीक है, पैची और ड्राई कर देता है। तो आपने फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगा लेना है। अब एक्सफोलिएट करना, एक्सफोलिएशन का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कल ये एक्सफोलिएट किया है और इसी से किया है, ठीक है। तो इस एक्सफोलिएट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज जो हम जो है यूज करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग रबिंग करके स्क्रब लगा के रबिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन के डेड सेल्स हैं, आपको पता होगा कि एवरी 19 डेज के बाद हमारी जो स्किन के बाहर के सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, और जब वो डेड हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनका उतरना ज़रूरी है, और उतारने के लिए हम स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग से ये होता है कि आपके ऊपर के जो सेल्स हैं वो तो उतर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो उन ऊपर की लेयर के साथ नीचे जो लेयर होती है वो जो है वो हमारी स्किन के साथ चिपके रह जाते हैं, उनको उतारने के लिए हम ये इसी को लेके और पूरे फेस के ऊपर ऐसे लगा देंगे, और लगाने के बाद हल्के हाथ से इस तरह सर्कुलर मोशन जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। आपने 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम इसको नहीं देना, और 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर इसको 30 सेकेंड्स करके, और उसके बाद ठंडे पानी के साथ आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए, तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी। आपने वीक में जस्ट 1 टाइम करना है, नॉट मोर देन 1 टाइम, जस्ट आप इसको 1 टाइम ये करेंगे। अब स्किन टैनिंग जो होती है, ये वो होती है कि जब आप जो है बाहर धूप में ज़्यादा फिरते हैं या अपने काम के सिलसिले में धूप में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो जो है वो बदल जाता है, और उस ओरिजिनल कलर के बजाय आपका कलर थोड़ा सा टैन हो जाता है, यानी कि ब्राउन की ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यही वाला सारा मिक्सचर बनाएंगे, और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो है वो वाइट विनेगर जो है, ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ व्हाइट विनेगर आपके सामने, जैसे ये व्हाइट विनेगर लिया आपने, 1/2 टेबल स्पून आपने ये बेकिंग सोडा लिया, 1/2 टेबल स्पून वाटर लिया, बल्कि आप ऐसा कर लें कि वाटर 1/2 टेबल स्पून से भी कम कर लें क्योंकि विनेगर ऐड होगा, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जस्ट इस तरह से आपने 1 and 2 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इसमें डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद, और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आप 3-4 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर यूज़ करेंगे, और इसको मिक्स करके और फेस के ऊपर लगा के, और जस्ट 2 मिनट्स का टाइम देना है। 2 मिनट्स के बाद आप फेस वॉश कर लें। आप वीक में एक दफ़ा इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्किन की टैनिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ है तो इसलिए ये जल्दी इफेक्ट करता है, और आपने इसको बार बार नहीं लगाना कि मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ तो मैं हर दूसरे दिन टैनिंग के लिए लगा लूँ। वीक में जस्ट 1 टाइम, ठीक है, इसको रेगुलर करें तो आपकी स्किन टैनिंग जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप टैनिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आप 3 मिनट्स के लिए भी इसको लगा सकते हैं, 3-4 मिनट्स आप लगा के तो आप इसको फेस को वॉश कर लेंगे, तो इस तरह से आपकी स्किन टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। तो ये थी हमारी चंद एक रेमेडीज़ जो कि स्किन से रिलेटेड है। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी रैश है, रैशेज आपको पता है ना कि वो सुर्ख रंग के वो हो जाते हैं गर्मी की वजह से, खासतौर पर गर्मियों में हमें रैशेज हो जाते हैं, या जैसे हमारी स्किन जो है वो जब बार बार आपस में किसी भी वजह से कपड़ों के साथ इवन रगड़ खाती है तो उससे रैशेस पड़ जाते हैं, रैशेस के लिए आपने क्या करना है कि बेकिंग सोडा, इसी तरह आपने बेकिंग सोडा यूज़ करना है, और उसके अंदर वाटर की जगह पे आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें, यानी अगर आप 1/2 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो उसमें तकरीबन आपने 4-5 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल जो है ना, नारियल का तेल 4-5 ड्रॉप्स जो है वो कोकोनट ऑयल उसमें डाल देना, इसको मिक्स करके जहाँ पर आपको रैशेज हैं उनके ऊपर लगा के, और जस्ट 2 मिनट्स के 2-3 मिनट्स आप उसको छोड़ दें, और 2-3 मिनट्स के बाद आप उसको जो है ना, बल्कि 4 मिनट्स आप बेशक छोड़ दें क्योंकि कोकोनट ऑयल इसको माइल्ड कर देता है, तो आप इसको वो लगा के और 4 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर दें, तो इस तरह से आपके रैशेस जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये चंद एक रेमेडीज़ थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। तो आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
अल्लाह हाफिज़।